मैं अब माननीय ओम प्रकाश माथुर जी को आमंत्रित करूंगा। उनका मेडेन स्पीच अभी हुआ नहीं है, हमने आग्रह किया समय आग्रह किया है समय देखते हुए कि बहुत कम समय में वो अपना सुझाव दें, ताकि अधिक से अधिक लोग 5:15 तक बोल रहे ही हमारी कोशिश होगी पॉइंटेड सजेशन दें। माथुर साहब धन्यवाद उपसभापति जी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद दूंगा कि आज़ादी के 71 वर्षों के बाद उन्होंने पानी की चिंता के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया। उपसभापति महोदय, मैं उस प्रदेश से आता हूँ जो पानी की समस्या को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मेरा सौभाग्य है, हाँ मैं बोल रहा हूँ इशारा मत करो, मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक ऐसे लाल को उस मंत्रालय का दायित्व दिया है जिसने अपने पढ़ाई के काल में भी और अध्ययन के बाद भी उस क्षेत्र का बहुत बारीकी से देखा है, घुमा है, भ्रमण किया। मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, हमारे मरु प्रदेश के बारे में ये बात आम मान्यता है कि मरु प्रदेश को भगवान कृष्ण का एक वरदान है कि इसमें कभी भी मरु प्रदेश में जल की कमी नहीं रहेगी, लेकिन उस वरदान को मान करके मरु प्रदेश के लोग या राजस्थान के लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने कई तरह के उपयोग किए, मैं उन उपयोगों का डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ गिनाना चाहता हूं, जैसे तालाब, झीले, नाड़ी, बावड़ी, टांका, झालरा, टोबा, खजीन, गजेंद्र जी जानते अच्छी तरह से खजीन की कितनी अच्छी छतों पर पूरा शेखावटी, पहले कोई भी ऐसा मकान नहीं रहता था जिसमें छत का पानी इकट्ठा करके साल भर नहीं लगातार सालों उसको ड्रिंकिंग वाटर का भी उपयोग करते थे, कभी उसमें खराब नहीं आती थी, न भी उसमें कोई एक्वा गार्ड की जरूरत रहती थी। आज भी लगभग 20-30% ऐसे शेखावटी में घर है जो वर्षा के पानी से ड्रिंकिंग वाटर का उपयोग करते, आखिर वो भी तो कोई कला थी। लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक बात कहना चाहूँगा आज आपसे कि हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे, इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, एक दुहाई थी बनाने वालों की, एक इकाई और दुहाई मिलकर सैकड़ों हजार बनाती थी, परंतु दुर्भाग्य के पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई ऐसी पड़ गए लोग कि समाज ने इकाई दाई सैकड़ा हजार बिल्कुल खत्म करके पानी को शून्य कर दिया। मैं आपको पानी का महत्व बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जब तालाब खुदता था तो ऐसा नहीं कि गांव के लोग खोदते थे, मैं गजेंद्र सिंह जी को याद कराना चाहता हूँ, खूब गए जैसलमेर, जैसलमेर में जो गड़ीसर तालाब बना है उस तालाब की खुदाई गांव के मौल इकट्ठे करते थे, लेकिन राजा भी प्रतिदिन उस तालाब पर जाकर के चाहे आधे घंटे लेकिन सिर्फ मजूरी करता था। उससे प्रभावित होकर के मैं उससे आगे बात बताना चाहता हूँ, उससे प्रभावित होकर के राजा के महल में जो नृत्यांगना थी उसको जल के प्रति महत्व महसूस हुआ, और उसने पिछले सालों की सारी कमाई उस गड़ीसर तालाब की खुदाई में लगाई और इतना सुंदर गेट बन गया कि आज वो आश्चर्यजनक गेट आज भी वो विद्यमान है, देख सकते हैं। इसी तरह ब्रिटिश काल की उपसभापति जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ब्रिटिश काल की घटना बता रहा हूँ, जब रेलवे लाइन बिछने लगी, उदयपुर में रेलवे लाइन बिछी, लेकिन रेलवे लाइन उदयपुर के तालाब के ऊपर से गुजरी, कुछ दिनों बाद उस रेल तालाब की दीवार में यानी पाल बोलते जिसमें उसमें क्रैक आई। मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के राजा भोपाल सिंह को, राणा भोपाल सिंह को, कि उन्होंने उस समय आजादी से पहले ब्रिटिश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और उस तालाब को उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट को ठीक कराना पड़ा। इसलिए पानी जितना महत्व विषय, ये विषय जो आप लोगों ने लिया है, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज इस पर डिबेट हो रही है और राजनीति से हट करके, आज अभी हमारे मित्र बोल रहे थे शिवसेना के भाई मनोज बोले, अनूप मिश्रा का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को अनूप मिश्रा ने जितनी वाटर संरक्षण के बारे में पुस्तकें लिखी है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। एक बात विशेष करके मैं मेरे क्षेत्र की दो बातें बता के बैठ जाऊंगा, मैं आपका समय जो आपने कहा मैं आदेश मानूंगा। हमारे क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा जवाई बांध है, लगभग वो हजारों गांवों को इरिगेटेड करता है, सैकड़ों गांवों में वो ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें कि रेनफॉल कम होने की वजह से 10 साल में सिर्फ 4 साल भरता है, 6 साल खाली रहता है।
मैं लगातार पिछले 15 वर्षों से उसके पीछे लगा हूं। मैंने 2 डैम ऊपर बनाए, फिर भी कम रही। आखिर जाकर यहाँ जब पिछली सरकार ने, नरेंद्र भाई की सरकार आने के बाद, बीजेपी एनडीए की सरकार बनने के बाद, सेंट्रल ने 5 स्कीमें दी हमको। 5 में एक स्कीम उस जवाई बांध को पुनर्भरण की भी दी है, लेकिन दुर्भाग्य है उसमें अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। मैं चाहूंगा आज इस माध्यम से कि मंत्री महोदय उसी क्षेत्र के आने वाले, उससे जोधपुर भी पानी जाता था, आजादी के पहले का डैम है वो, उस डैम को जैसे अभी उन्होंने प्रश्न किया कि भाई पुनर्भरण का या वाटर हार्वेस्टिंग का क्या काम किया जाए, अच्छी तरह से हो सकता है अगर वो स्कीम हो जाए। अवार्ड हो चुकी है वो स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अवार्ड हो चुकी है, उसको पूरी करें। एक और चीज, जो जयपुर की लाइफ लाइन थी रामगढ़ बांध, पूरा जयपुर उस रामगढ़ बांध से पानी पीता था। एशियन गेम्स हुए, सारे पानी के गेम्स वहां रामगढ़ बांध में हुए, लेकिन पिछली बार क्षमा करें, मैं चाहूंगा जब अगर जितनी चिंता हो रही है तो कुछ ना कुछ अधिकारियों पे भी शिकंजा लड़ना चाहिए। ये जितना जो भराव क्षेत्र में अतिक्रमण में एंक्रोचमेंट जितना, वो सारा एंक्रोचमेंट इन अधिकारियों के माध्यम से, एक में मैं कहता हूँ इसमें हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का 17वां आदेश आया हुआ है कि जितने अतिक्रमण हो रहे टूटे जाए। कहीं ना कहीं अधिकारी पता नहीं कैसे जवाब देते हैं, कम से कम ये 2 काम अगर करें। धन्यवाद माधव, मैं बैठा हूँ पूरा कर रहा हूँ। अगर ये 2 काम करेंगे तो जयपुर और पूरी राजस्थान बिल्कुल होगा। मेरे बोला बहुत है, मैं 4 किताबें लेके आया हूँ और मैं आपको अंकित बता देना चाहिए हूँ, मैं मंत्री महोदय मेरे फार्म पे आए हुए हैं, मैं खुद वाटर हार्वेस्टिंग करता हूँ, बहुत अच्छा किसान हूँ, 100 एकड़ जमीन में मेरे पानी की वर्षा का रेनी इकट्ठा करके इरिगेशन करता हूँ। कम से कम ये कोई प्रयोग करना चाहे, जनता को कई सहयोग करे, किस प्रकार से किसान अपनी खेती कर सके, इतना करेंगे तो सुविधा की। बहुत बहुत धन्यवाद।